खालिस्तानियों को लेकर भारत का सख्त रुख जारी है। इसके लिए चाहे अमेरिका हो या कनाडा या कोई और देश, सभी को भारत ने अपना स्टैंड क्लियर करा दिया है। हाल ही में खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप में अमेरिका में एक भारतीय नागरिक के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। इस मामले पर भारत सरकार ने चिंता जाहिर की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जो जांच में जुटी है। साथ ही मंत्रालय ने बिना जांच के कुछ भी कहने से फिलहाल इनकार किया है। It is allegedly linking that person with the Indian official. That is a matter of concern. We have said, and as I said, that is not government policy, and there is high-level inquiry. And we've also talked about the, as you mentioned, nexus between organized crime, drug trafficking, gun running, and extremists. That's something that needs to be investigated. I think this high-level committee is precisely constituted for that, looking at all aspects. And let's wait for its results, and we'll take it forward. पन्नू मामले में भारत ने चिंता तो जाहिर की है, साथ ही कनाडा को चेतावनी दे दी। कनाडा ने लगातार अपने देश में एंटी इंडिया चरमपंथियों को शह दिया है। साथ ही कनाडा सरकार को वियना कन्वेंशन के तहत दायित्वों को पूरा करने की बात भी कही। On the issue of Canada, insofar as Canada is concerned, we have said that they have consistently given space to anti-India extremists and violence, and that is actually the heart of the issue. Our diplomatic representatives in Canada have borne the brunt of this, so we expect the government of Canada to live up to its obligations under the Vienna Convention on diplomatic relations. We have also seen interference by Canadian diplomats in our internal affairs. We've said this from this podium, and that is obviously unacceptable. बता दें कि अमेरिका का आरोप है कि भारत सरकार के किसी अज्ञात अधिकारी के कहने पर भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने खालिस्तानी गुरपतवंत पन्नू की हत्या की साजिश रची, जिसके बाद निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से कथित रूप से अमेरिका की सलाह पर 30 जून को गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत सरकार ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट यानी आतंकी घोषित कर रखा है। भारत में उसके खिलाफ राजद्रोह के 3 मामलों सहित 22 आपराधिक केस दर्ज है। पन्नू सिख फॉर जस्टिस नाम का समूह भी चलाता है, जिसे गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित संगठन की सूची में डाल रखा है।